साथियों, हिमाचल प्रदेश के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए सड़क, बिजली जैसी मूल जरूरत के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं वहां पर आजकल ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन गया है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण हिमाचल के अनेक स्थानों पर नेटवर्क की समस्या होती रहती है। इसका स्थायी समाधान करने के लिए हाल में देश के 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम शुरू किया गया है। आने वाले 1000 दिनों में ये काम मिशन मोड पर पूरा किया जाना है। इसके तहत गांव गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट भी लगेंगे और इंटरनेट कनेक्शन भी मिल पाएंगे। इससे हिमाचल प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की दवाई और टूरिज्म से कमाई हर प्रकार से लाभ होने वाला है। साथियों, सरकार का निरंतर ये प्रयास है कि सामान्य मानवी की परेशानी कैसे कम हो और उसे उसके हक का पूरा लाभ कैसे मिले, और इसके लिए करीब करीब सभी सरकारी सेवाओं का डिजिटल कन्वर्सन, डिजिटलीकरण ये कर दिया गया है। अब सैलरी पेंशन जैसी अनेक सुविधाओं के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पहले हिमाचल के दूर सुदूर क्षेत्रों के वहां से सिर्फ दस्तावेज के एटेस्टेशन के लिए हमारे युवा साथी, रिटायर्ड लोग, अफसरों, नेताओं के यहां चक्कर काटने पड़ते थे। अब दस्तावेजों के एटेस्टेशन की जरूरत को भी एक प्रकार से खत्म कर दिया है। आप याद करिए, पहले बिजली और टेलीफोन के बिल भरने के लिए पूरा दिन लग जाता था, आज ये काम आप घर बैठे पर क्लिक पर उंगली दबाल करके कर पा रहे हैं। अब बैंक से जुड़ी अनेक सेवाएं जो बैंक में जाकर थी मिलती थी वो भी अब घर बैठे ही मिलने लगी है। साथियों, ऐसे अनेक सुधारों से समय की भी बचत हो रही है, पैसा भी बच रहा है और करप्शन के लिए स्कोप समाप्त हुआ है। कोरोना काल में ही हिमाचल प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा पेंशनर और लगभग 6 लाख बहनों के जनधन खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए एक क्लिक में जमा किए गए हैं। 1.25 लाख से ज्यादा गरीब बहनों को उज्ज्वला का मुफ्त सिलेंडर मिल पाया है।